मैं तो ऐसे अभी फिलहाल शूटिंग से आ रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि रिस्पॉन्स कैसा है, बट जितने भी लोग सोशल मीडिया पे रिव्यूज दे रहे हैं और मेरे जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे वो बॉम्बे में हो या इंडिया में कहीं भी हो, बहुत खुश है। एंड आई थिंक रिस्पॉन्स इज टेरिफिक। ये एक लंबा शो है, बाकी की दो तीन दिन के बाद ही शायद बताना होगा कि रिस्पॉन्स कैसा है, कि अभी लोग चार पाँच छः सब देख चुके हैं। आई एम रियली एक्साइटेड एंड होपफुल आने वाले दिन में जो भी वेरी वेरी डैड के रिव्यू के लिए तो मैं काफ़ी नर्वस हूँ, पर डैड से ज़्यादा मॉम के रिव्यू के लिए बहुत नर्वस रहता हूँ, बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा कहा है कि मॉम मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है। सो आई एम रियली रियली होपफुल कि उन्हें ये शो पसंद आया, क्योंकि हमने शो में बहुत मेहनत लगाई है, दो साल से शो पे काम करते आ रहे थे, तो भी अनफॉर्चुनेटली हमें अभी हिंदुस्तान में नहीं है, वो अभी पोलैंड में है, तो जब वापस आएंगे तो जरूर गई। डिफरेंट आउटफिट है, आई मीन ऑनेस्टली मैं जब तो शुरू से आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ अलग पहन के आ जाऊँ, हमेशा मैं नॉर्मली हुडी और जैकेट और ट्राउजर भी रहता हूँ, तो ऑफकोर्स आई मीन हम दो साल से रुके हैं ये पार्टी के, तो पार्टी तो बहुत करेंगे। आई थिंक हम सिर्फ 9 या 10 मिनट तक पार्टी कर सकते हैं, तो दूसरी बार शायद आफ्टर पार्टी भी होगा। तो लेट्स सी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।